कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में, जहां इंसानों की बॉक्सिंग खत्म हो गई थी क्योंकि उनके बदले लोग रोबोट्स को लड़ते देखना ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि इन रोबोट्स को भी इंसान ही कंट्रोल करते हैं। चार्ली भी एक जाना माना बॉक्सर हुआ करता था जो अब देश विदेश में जाकर रोबोट बॉक्सिंग में हिस्सा लेता है, लेकिन काफी समय से वो लगातार हार रहा है। एक दिन उसे एक आदमी का कॉल आया जो उससे अपने $30,000 वापस मांग रहा था। उसने न जाने कितने लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। आखिरकार चार्ली ने नेटवर्क का बहाना लगाकर कॉल काट दी। तभी मेले में उसे रिकी मिल गया। उसने चार्ली को $3,000 देने का वादा किया अगर उसका मशहूर रोबोट एम्बुश बैल से लड़ेगा। चार्ली ने भी अपने रोबोट की जीत पर $20,000 की शर्त लगा दी। रिकी मान तो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर चार्ली हार गया तो उसे कहीं से भी रिकी का कर्ज तो लौटाना पड़ेगा। फिर फाइट शुरू हुई और जनता एम्बुश को देखकर जोश में आ गई। शुरू में सब सही था और एम्बुश बैल के वार से बचने में कामयाब भी हो गया, लेकिन तभी चार्ली लोगों से बात करने में इतना खो गया कि उसे रोबोट के पीछे भागता हुआ बैल दिखाई ही नहीं दिया। बैल ने अपनी जोरदार टक्कर से एम्बुश की टांग तोड़ डाली। चार्ली ने रिकी से फाइट रोकने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। फाइट के आखिर में एम्बुश बस लोहे का कबाड़ बनकर रह गया और बच्चे उसका एक एक पुर्जा उठाकर अपने साथ ले गए। चार्ली भी मुंह छिपाकर पतली गली से निकलने लगा, लेकिन तभी दो लोगों ने आकर उसे बताया कि उसकी पिछली पत्नी की मौत हो गई है और उसका 11 साल का बेटा मैक्स अब एकदम अकेला है। चार्ली को अपने बेटे की कोई खास परवाह नहीं थी और उसने कोर्ट में जाकर कह भी दिया कि वो मैक्स को संभालने की हालत में ही नहीं है। हालांकि उसके कुछ रिश्तेदार मैक्स को अपनाना चाहते थे, इसलिए चार्ली ने उन्हें मैक्स की कस्टडी $1,00,000 में सौंप दी। पहले $50,000 लेकर वो मैक्स के साथ कुछ समय बिताने को तैयार हो गया। उन्हीं पैसों से उसने काले बाजार से नॉइजी बॉय नाम का एक बेहतरीन रोबोट खरीदा। उसमें वॉइस कंट्रोल का फीचर था जिससे वो इंसानों की बातें समझ सकता था। उसे लेकर चार्ली अपने जिम में पहुंचा जहां वो बेली के साथ रहता था। इतना खर्च करने पर बेली उससे बहस करने लगी कि किराए के पैसे तो टाइम पे दिए नहीं जाते, रोबोट खरीदता घूम रहा है। तभी रिश्तेदार मैक्स को उसके पास छोड़ने आ गए। इधर अपना मैक्स भी खतरनाक बच्चा है। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसके बाप ने उसे बेच दिया, पर दुख तो सारा इस बात का था कि थोड़े भी पैसे मैक्स को नहीं मिले। नॉइजी बॉय को देखकर वो तीनों दंग रह गए। चार्ली ने वॉइस कंट्रोल चेक करने की सोची और उसने कुछ कमांड दी, लेकिन रोबोट में कोई हलचल नहीं हुई। चार्ली को लगा, लो भाई पैसे गए डब्बे में, फुद्दू बना दिया दुकानदार ने। तभी मैक्स ने अपनी सूझबूझ दिखाई और रोबोट को जापानीज में कमांड दी क्योंकि वो जापान में बना था। नॉइजी बॉय ने कमांड सुनी और बस अब उसकी सेटिंग बदलने की देर थी। थोड़े टेस्ट करने के बाद चार्ली उसे अपनी वैन में लादकर अगले कॉम्पिटिशन में जाने को तैयार हो गया। मैक्स ने वैन की चाबी चुरा ली और साथ चलने की जिद करने लगा। हार कर चार्ली को उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। फिर वो फाइट क्लब में पहुंचे जहां काफी सारे रोबोट्स आए थे। चार्ली को पूरा यकीन था कि वो इस बार तो जरूर जीतेगा, इसलिए उसने नॉइजी बॉय का नाम मेन फाइट में लिखवा दिया। मैक्स ने उसे बहुत समझाया कि पहली बार सिर्फ छोटी फाइट से लड़े, लेकिन चार्ली ने कहा, चल चल बाप को मत सिखा चल। चार्ली नहीं माना और नॉइजी बॉय को चैंपियन रोबोट मिडास से लड़ने भेज दिया। शुरुआत में तो नॉइजी बॉय अपने ओपोनेंट पर भारी पड़ रहा था। चार्ली के मन में पैसों के बारे में सोच सोच कर लड्डू फूटने लगे और इसी चक्कर में उसका ध्यान फिर भटक गया। उधर मिडास ने नॉइजी बॉय पर जोरदार वार किया। चार्ली हड़बड़ाहट में ढेर सारी वॉइस कमांड्स देने लगा, लेकिन जल्द ही मिडास ने नॉइजी बॉय का सर धड़ से अलग कर दिया। फाइट के आखिर में बेचारे रोबोट का सिर्फ वॉइस कंट्रोल सिस्टम ही बच पाया। मैक्स ने अपने बाप के जले पर नमक छिड़कते हुए कहा कि उसे फाइट से पहले नॉइजी बॉय को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए था। ये सुनकर चार्ली उस पर भड़क गया और बच्चे को अच्छी खासी सुना दी। वैसे देखा जाए तो बच्चा कुछ गलत भी नहीं कह रहा था। घर लौटते हुए वो कबाड़ खाने में नए रोबोट के पुर्जे ढूंढने गए। बातों बातों में चार्ली ने मैक्स को बताया कि कैसे इंसानों के बदले रोबोट्स की बॉक्सिंग शुरू हुई। अचानक मैक्स का पैर फिसला और वो एक चट्टान से गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उसने किसी रोबोट का हाथ पकड़ लिया जिससे उसकी जान बच गई। चार्ली ने तुरंत नीचे उतरकर मैक्स को बचाया। ऊपर आकर मैक्स ने देखा कि जिस रोबोट से उसकी जान बची वो कीचड़ में लिपटा हुआ था। उसने चार्ली से कहा कि इस रोबोट को अपने साथ ले जाने में उसकी मदद करे, लेकिन चार्ली ने एक बार फिर खुद गर्ज होकर अपने बेटे की मदद करने से मना कर दिया। मैक्स ने अपनी पूरी जान लगाकर सुबह तक उस रोबोट को पहाड़ी पर खींच लिया। आखिरकार वो वैन तक पहुंचा और चार्ली के साथ उसके जिम में गया। नॉइजी बॉय की हालत देखकर बेली को बहुत गुस्सा आया। उसने चार्ली से कहा कि अपने जीतने के सपने के साथ साथ अपनी असलियत को भी समझे, लेकिन चार्ली ने उसे चलकर मैक्स का रोबोट देखने को कहा। पता चला कि ये रोबोट एक पुराना मॉडल है जो फाइट के लिए नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट्स के लिए बनाया गया था। ये हमला तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना बचाव जरूर कर सकता है। अचानक रोबोट ऑन हो गया और बेली ने देखा कि इसमें एक शैडो फीचर था जिसके हिसाब से ये रोबोट किसी भी इंसानी हरकत की हूबहू नकल कर सकता था। मैक्स ने रोबोट का कीचड़ साफ किया और देखा कि इसका नाम एटम है। मैक्स ने इलीगल फाइट में इस रोबोट को लड़ाकर कुछ पैसे कमाने का फैसला किया। रात को सबके सो जाने के बाद उसने जिम में जाकर एटम को ऑन कर दिया। वो दोनों सैर पर निकल गए और उस रात मैक्स ने अपने पहले रोबोट को कंट्रोल करना सीखा। अगली सुबह चार्ली मैक्स को लेकर एटलांटा चला गया जहां वो किसी के साथ मिलकर नया रोबोट खरीद सके। वो फिन नाम के एक आदमी से मिलने गया और वहीं मैक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट ज्यूस के मालिक को देखा। उसका दावा था कि ज्यूस किसी भी रोबोट को मिट्टी में मिला सकता है। उधर चार्ली ने फिन से पैसे उधार मांगे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि वो मैक्स के रोबोट की फाइट कराने को राजी
ही हो गया। अगली सुबह चार्ली ने देखा कि मैक्स एटम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उसने खुद ही कमांड सेट कर ली थी, जिसे देखकर चार्ली काफी खुश हुआ। मैक्स को ये काबिलियत आखिर अपने पिता से ही मिली थी। फिर दोनों फाइट के लिए चले गए और मैक्स ने सामने वाले लीडर से एक डील कर ली। अगर एटम एक राउंड जीता तो उसे $1,000 मिलेंगे और अगर वो हारा तो एटम लीडर का हो जाएगा। फिर फाइट शुरू हुई और मैक्स ने एटम को कंट्रोल किया। रोबोट ने कोई हमला नहीं किया, बस खुद का बचाव करता रहा। चार्ली ने मैक्स से कहा कि सामने से हमला करे, लेकिन तभी ओपोनेंट ने एटम के सर पर वार कर दिया। पहला राउंड खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे और उससे पहले एटम को फिर से खड़ा होना था। मैक्स के ऑर्डर पर एटम खड़ा हो गया और इसी के साथ मैक्स $1,000 जीत गया। इससे लीडर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने शर्त रखी कि अगर ये रोबोट एक और राउंड टिक गया तो वो $2,000 यानी दुगना इनाम देगा। चार्ली ने मैक्स को समझाया कि इसमें ना पड़े, लेकिन मैक्स फाइट के लिए राजी हो गया। अगला राउंड शुरू हुआ और एटम ने सामने वाले रोबोट पर जोरदार वार किया, जिससे उस बेचारे का सिस्टम ही क्रैश हो गया। आखिरकार मैक्स जीत गया और अपना इनाम लेकर वहां से चलता बना। अगले दिन वो एटम को नए कमांड सिखा रहा था। जब वो बोर हो जाता तो एटम को अपने साथ डांस करवाने लगता। जब चार्ली आया तो मैक्स ने उसे बताया कि उसने नॉइजी बॉय का वॉइस कंट्रोल सिस्टम एटम के अंदर फिट कर दिया है। उसने कहा कि शैडो फीचर के जरिए एटम को अपना बॉक्सिंग स्टाइल सिखाए, क्योंकि चार्ली अपने जमाने में बॉक्सिंग चैंपियन था। चार्ली ने मजे लेते हुए कहा कि वो तभी एटम को बॉक्सिंग सिखाएगा अगर मैक्स रिंग में एटम को डांस करवाएगा। मैक्स मान गया और एटम की बॉक्सिंग ट्रेनिंग दिन रात जोरों से चलने लगी। मैक्स हर फाइट की शुरुआत डांस से किया करता और इसी तरह एक एक करके एटम सारी फाइट्स जीतता चला गया। चार्ली और मैक्स भी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगे। छोटी मोटी फाइट से पैसे कमाकर चार्ली ने कुछ पैसे बेली को किराया भरने के लिए भेज दिए। डांसिंग कार की तरह डांसिंग रोबोट ने भी पूरी जनता का दिल जीत लिया। उसकी तो अखबार में तस्वीरें छपने लगी थी। इसी मशहूरी के कारण चार्ली और मैक्स को रियल स्टील टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। जब मैक्स एटम को फाइट के लिए तैयार कर रहा था तो एक आदमी ने आकर कहा कि ज्यूस रोबोट की मालकिन फेरा उनसे मिलना चाहती है। वो ज्यूस के लिए स्पेयर रोबोट ढूंढ रही थी और उसने एटम को खरीदने के लिए $2,00,000 का ऑफर दिया। चार्ली तो उसी वक्त राजी हो गया, लेकिन मैक्स इनकार करके कमरे से बाहर आ गया। चार्ली ने मैक्स को ये डील लेने के लिए बहुत समझाया, लेकिन मैक्स ने कहा कि जरा सोचो, ये औरत एक स्पेयर रोबोट के लिए इतने पैसे देने के लिए क्यों तैयार है। मैक्स को यकीन था कि उसके रोबोट में कुछ तो खास बात जरूर है, इसलिए उसने एटम को बेचने से साफ मना कर दिया। उधर फाइट देखने आए लोगों के शोर के बीच दो सर वाला रोबोट ट्विन सिटीज आया। फाइट शुरू होने से पहले एटम ने भी मजेदार डांस दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। फाइट के शुरुआती मिनटों में तो उस दो मुंह वाले रोबोट ने एटम पर लगातार वार करके उसे हमला करने का मौका ही नहीं दिया। तभी चार्ली का ध्यान ट्विन सिटीज की कमजोरी पर गया। असल में हर पंच से पहले उसका दाहिना कंधा थोड़ा अटकता था। मैक्स ने एटम से वहीं पर हमला करवाया और उसका पूरा दाहिना हिस्सा तोड़कर एटम ने उसके सर पर जोर से सर दे मारा। उस दूसरे रोबोट की इतने में छुट्टी हो गई। एटम की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर लोग जोर जोर से तालियां पीटने लगे। उधर मैक्स ने भागकर रेफरी से माइक छीन लिया और दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट ज्यूस को फाइट के लिए चुनौती दे दी। बेसिकली मैक्स पूरी दुनिया को बताना चाहता था, हमारा रोबोट किसी से कम है के? सिस्टम मिला देंगे ज्यूस का। इसके बाद मैक्स और चार्ली जीत के पैसे लेकर वैन तक पहुंचे। तभी रिकी नाम का एक आदमी अपने पैसे वसूलने आ पहुंचा और चार्ली को गुंडों से पिटवा दिया। अपने बेटे की सुरक्षा के बारे में सोचकर चार्ली ने उसे वापस रिश्तेदारों के पास भेजने का फैसला कर लिया। मैक्स ने रोते हुए अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। चार्ली ने मैक्स के बदले मिलने वाले $50,000 लेने से भी मना कर दिया। अपने बेटे के साथ समय बिताकर अब वो उसे सच्चे दिल से चाहने लगा था। अगली सुबह बेली ने उसे समझाया कि उसे मैक्स को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। उसकी बात मानकर चार्ली मैक्स को वापस लेने पहुंचा और एक अच्छा पिता बनने का वादा भी किया। वहीं एटम को देखकर चार्ली ने कहा कि उन्हें ज्यूस से फाइट भी तो करने चलना है। फेरा ने मैक्स की चुनौती स्वीकार कर ली थी। फाइट के दिन ज्यूस हवा में उड़ता हुआ रिंग में कूद पड़ा। एटम के आने पर फाइट शुरू हुई। ज्यूस ने पहले ही वार में एटम को चित कर दिया। सबको लग रहा था कि ज्यूस की जीत एकदम पक्की है। एटम ने फिर से खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन ज्यूस ने लगातार 15-20 मुक्के दाग दिए। लेकिन अगले राउंड में एटम ने आगे होकर ज्यूस पर लगातार वार किए। काफी जोर लगाकर एटम ने खुद को खड़ा रखा। फाइट चलती रही और एटम किसी तरह से दूसरे और तीसरे राउंड तक लड़ता रहा। चौथे राउंड तक ज्यूस ने अपनी पूरी ताकत से एटम की बुरी हालत कर दी। एटम का वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी टूट गया था, लेकिन फिर भी एटम आखिरी मिनट तक लड़ता रहा। अब उसके जीतने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैक्स ने चार्ली से कहा कि शैडो फीचर से बॉक्सिंग करके एटम को कंट्रोल करे। चार्ली ने एटम को जोश से भरी स्पीच दी, जबकि वो कुछ सुन ही नहीं सकता था। तभी आखिरी राउंड शुरू हुआ। एटम खुद को बचाकर ज्यूस की ताकत बर्बाद करवाता रहा। जैसे ही उसकी ताकत कम हुई, चार्ली ने एक के बाद एक लगातार मुक्के ज्यूस को मारे, लेकिन ज्यूस एक बार फिर खड़ा होकर वार करने लगा। तभी राउंड खत्म हो गया और ज्यूस हारने से बच गया। जनता जोर जोर से एटम का नाम चिल्लाने लगी। ज्यूस के ज्यादा पॉइंट्स थे, इसलिए वो जीत गया, लेकिन जनता के दिल में तो एटम बस गया था और मैक्स को तो यही चाहिए था। मैक्स और चार्ली ने कसकर एक दूसरे को गले लगाया। आखिरकार उन्होंने एटम के साथ अपनी असली जीत का जश्न